नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका 2HV 2800 RPM के पार्ट टू में। पहले पार्ट में हमने वायरिंग किया था इसका, दूसरे पार्ट में इसका टेपिंग कनेक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोयल का सेप ले लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको कोयल को सीधा करके सेप लेना है, अच्छी तरह से राउंड में सेप लेना है, फिर अंदर से फाइबर से सेप लेना है। इस तरह से दोनों कोयल को सेप लेना है। अंदर वाली स्टार्टिंग की है, बाहर की रनिंग की है। सेप ले लेते हैं फिर से, फिर इसको सेपरेट पेपर डाल देते हैं ताकि दोनों कोयल मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम लोग सेपरेट पेपर डालते हैं। लेदर का पेपर है ये, अच्छी तरह से पेपर डालना है। देखिए इस तरह से पेपर डालना, फिर ऐसा टेप कॉटन टेप लेके इसको हम टेपिंग करते हैं। ऐसा टेप लेके टेपिंग करते हैं, ऐसे कॉपर का सुई बना के हम इसको बांध देते हैं। जितना हो सके उतना टाइट बांधने का है। इस तरह से हम लोग इसको बांध देते हैं, टेपिंग शुरू कर देते हैं। टेपिंग हो रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से थोड़ी मारते जाएंगे ताकि शेप अच्छी तरह से आ जाए। एक छोड़ के एक मैं इसमें टेपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन का थोड़ा काम होता है, इसलिए हर एक स्लॉट में डालना बहुत टाइम ले लेता है, इसलिए हम लोग एक छोड़ के एक में टेपिंग करते हैं। आप चाहे तो हर स्लॉट में डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ी मारना ना भूलिए, इससे टेपिंग टाइट होता है। जैसे आपको मतलब सही लगे वैसे टेपिंग करते जाना है, टाइट करते जाना है। एक छोड़ के या कोई डायरेक्ट छोड़ दे, दो छोड़ सकते हैं। इस तरह से थोड़ी मारते जाएंगे, सेप मस्त आ जाएगा, टाइट आएगा। देखिए कैसा इसका सेप आ रहा है, वाइट आधे आधे का कॉटन टेप है, इसलिए अच्छा सेप आता है। कहीं कहीं जगह पे दोरी भी इस्तेमाल होता है, मोस्ट ऑफ जगह पे दोरी इस्तेमाल होता है, हम लोग कॉटन टेप इस्तेमाल करते हैं। बड़ा मुश्किल रहता है इसको, दोरी घुसाना आसान रहता है। इसको छोड़ के हम यहाँ से बांध देते हैं टाइट करके। इसको इस तरह काट लिया है, अब फाइबर की मदद से इसको राउंड शेप ले लेते हैं। हो गया ये, इस तरफ पे कंप्लीट हो गया है। इसको पलट के उस तरफ शेप लेते हैं, इस तरफ छेड़ा आता है। कोयल को रनिंग वाली कोयल को हम लोग खड़ी करते हैं। अब इसका शेप लेते हैं, बिठाना है ताकि वो आगे वाले कवर में इसको टच ना हो जाए, ना बॉडी में टच होना है ना इसके स्टैम्पिंग में टच होना है। अंदर से भी जगह रहनी चाहिए और बाहर से भी जगह रहनी चाहिए। इस तरह से गोल राउंड में हमको शेप लेना है और वायर भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ये देखने का है, थोड़ा ध्यान रखने का है। अब अंदर फाइबर की मदद से अंदर से थोड़ा शेप ले लेते हैं ताकि रोटर घुसाने में ये थोड़ा सा कहीं टच ना हो, इसलिए शेप लेते हैं। छेड़ा सीधा कर लेते हैं, बाहर का होगा वो रनिंग वाला होगा, अंदर का छेड़ा होता है स्टार्टिंग वाला होगा। ध्यान से करने का है, कोई दूसरा छेड़ा साथ में ना आ जाए, ध्यान रखने का है।
देखो मैंने रनिंग वाला छेड़ा को बाहर निकाल दिया, ऐसे मोड़ दिया है। स्टार्टिंग वाला बच्चा अंदर, तो जो रनिंग वाला छेड़ा है वो मोड़ दिया बाहर। स्टार्टिंग वाला है अभी वो खड़ा है, वो अंदर वाला है स्टार्टिंग का है। इस तरह से सेपरेट डाल देते इस तरफ भी, इसको मैंने बीच में कर दिया है स्टार्टिंग वाला। अब रनिंग वाला का सामने सामने का जो बड़ी कोयल का होता है उसको मैंने मिला देता हूँ, उसको जंपर मार देता हूँ। जो जो बड़ी कोयल का दोनों है वही जंपर मारने का है, छोटा वाला सामने सामने रख देने का है। इसको काट लेता हूँ। इसी तरह से स्टार्टिंग में भी सामने सामने का जो बड़ी कोयल का जो छोर है उसको मिला देते हैं, यानी कि जंपर मार देते हैं, और इसको जंपर मार के इसको काट देते हैं ताकि साइड हो जाए। अब आप देखिए चार छेड़ा बचा है, दो रनिंग का दो स्टार्टिंग का। अब हम लोग आगे से इसको कॉमन करेंगे, पर्पल वायर इस्तेमाल करेंगे। कॉमन हो गया ये, रनिंग स्टार्टिंग मिल दिया है, और लाल मारेंगे रनिंग में, लाल छेड़ा रनिंग में मारेंगे। जो स्टार्टिंग का छेड़ा बचा है उसमें काला मारेंगे। काला छेड़ा स्टार्टिंग में लगा देते हैं। देखिए काला लाल और पर्पल तीन वायर हो गए हैं, अब देख रहे हैं। अब इसमें कैपेसिटर लगेगा 50 MFD का, वो लगेगा लाल और काले में। फिर हमको पावर सप्लाई करनी है पर्पल और लाल में, समझ रहे। लाल और काला में 50 MFD का कैपेसिटर लगेगा, पर्पल और लाल में पावर सप्लाई लगेगी 240 वोल्ट का। इस तरह से छेड़ा बाहर निकालेंगे। हम इसको प्रॉपर वेल्डिंग मशीन से इसको स्पॉट मारेंगे, सोल्डिंग नहीं करते, स्पॉट लगाते हैं। बहुत ही आसान होता है, जल्दी हो जाता है। इसको पिघल के दोनों मिल जाते हैं, कॉपर कॉपर टू कॉपर पिघल जाते हैं। ये करने में थोड़ा चश्मा लगाना ज़रूरी है गूगल्स, क्योंकि आँख को नुकसान हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखें, इसका छिलका थोड़ा सा भी ये इसका पॉइंट कहीं छू गया तो जला देगा, सावधानी रखने का। थोड़ा सा लाल हो जाता है, पूरा पिघल जाता है। सिर्फ 12 वोल्ट का ये DC पावर होता है, इसलिए करंट तो नहीं लगता है इसमें। चलो हो गया अपना स्पॉट। अब इसमें हम लोग 4 नंबर का स्लीव डालेंगे, स्लीव जरूरी है। इसमें हम लोग स्लीव को अंदर डाल देंगे ताकि ये शॉर्ट ना हो जाए, जो स्पॉट मारा है वो स्लीव के अंदर चला जाएगा। ऐसे सीधा करके इसके ऊपर लोग स्लीव डाल देंगे। ऐसा स्लीव चढ़ा के बाहर होल से उसको छेड़ा बाहर निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से छेड़ा को हम लोग अंदर स्लीव में डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें 1 नंबर 2 नंबर का स्लीव डाल के भी कर सकते हैं, इससे काम भी और अच्छा काम बनता है। इस तरह से इसको सजाना है ताकि टेपिंग करने में आसानी रहती है। फिर ये छेड़ा को बाहर निकाल लेंगे, अंदर से सरिया देंगे। 3 छेड़ा बाहर निकलेगा,
होल से जैसे सजा के उसी की तरह उस तरफ किया था वैसा ही इस तरफ टेपिंग मारेंगे। इस तरफ मारा था वैसा ही इस तरफ टेपिंग लगा देते हैं। चलो दोस्तों देखिए इस तरह से हम लोगों को दोनों साइड टेपिंग हो गया है और अभी मोटर रेडी हो गया है। बस इसमें पट्टी मार के इसका जो चिपिया होता है उसको हम लोग बिठा देंगे, फिर इसमें वार्निश डाल देंगे और एक दिन सूख जाएगा, फिर इसको हम लोग फिटिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।